हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वन सेकेंड, तो देख सकते हो गाइज, मेरा साइकिल सब सामान वगैरह बांध लिया। उसके बाद हम लोग रेडी हो रहा है, तब ये मंदिर से निकलना पड़ेगा। गाइज, आप लोगों को मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो हम लोग ये मंदिर में रुका था कल। तो गाइज, वहाँ पे है ना स्लीपिंग बैग वहाँ पे लगा के सोया था। तो गाइज, देखते रहे गाइज आज का राइड। सो गाइज, अभी मंदिर से निकल चुका हूँ। अच्छा, रास्ता से हम लोग ऊपर से नीचे आ गए था और फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। टिटीट टिटीट। ओ बाबा बाबा बाबा, राजनीति से दूर रहना चाहिए। बाबा 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 बोल दिया तो फिर आने लगा। सॉरी बाबा। तो देख सकते हो गाइस, ये रास्ता से हम लोग आए था, फिर ऊपर चढ़ाऊ। तो गाइस, देख सकते हो हम लोग ये ऊपर से कल नीचे आ गया था। थोड़ा खींचना पड़ेगा गाइस। यार फाइनल गाइस, मैं पहुंच गया हाईवे। देख सकते हो गाइस, श्रीनगर 33 किलोमीटर और बद्रीनाथ 223 किलोमीटर। देख सकते हो गाइस, हालात पतला हो गया। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, केदारनाथ जा रहा हूँ ना। तो देखते रहे, अभी राइड करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, इतना धूप में राइड कर रहा हूँ। देख सकते हो पहाड़ी इलाका में मुश्किल हो रहा है गाइस राइड करने में। देख सकते हो गाइस, मैं अभी साइकिल राइड कर रहा हूँ। सिक्किम का बंदा केदारनाथ जा रहा है दर्शन करने के लिए। तो देखते रहे गाइस, इतना धूप में राइड कर रहा हूँ। आगे ऐसा है, साइकिल चला रहा हूँ, आगे मेरा दोस्त है। इतना धूप में थकता है ना, ज़्यादा तो इतना थकता है गाइस। लेकिन क्या करूँ गाइस, राइड करना पड़ेगा। ओ भाई, देख सकते हो गाइस पहाड़ों का नज़ारा। ये पहाड़ के बीच में मैं राइड कर रहा हूँ। उत्तराखंड में इतना गर्मी बढ़ गया है यार, साइकिल भी ज़्यादा खींच नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा गर्मी की वजह से। ओ भाई, देख सकते हो गाइस, ये पहाड़ में राइड करते करते हालत ख़राब हो गया। ओ हो, कब श्रीनगर पहुँचूँगा, आज वहीं भी रेस्ट करना है। धीरे धीरे जा रहा हूँ गाइस, केदारनाथ 10 तारीख कपट खुलेगा, डोली के साथ जाना पड़ेगा गाइस। ये बार तो वो सोच के राइड कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी पहुँच सकता था केदारनाथ, अभी बंद है। 150 किलोमीटर है यहाँ से। सो देखते हैं गाइस, कब पहुँचूँगा केदारनाथ, कब महादेव का दर्शन करने के लिए मिलता है, आपको भी दिखाऊँगा गाइस। तो गाइस, पीछे देख सकते हो राइडर पार्टनर, वो भी चैटचूत हो चुका है। सो गाइस, देखते रहिए हमारा राइड। सो गाइस, राइड करते करते डाउन हिल मिल गया। अभी आनंद मिलेगा गाइस, डाउन हिल का भी राइड देखे। डाउन हिल में भी तो एंजॉय करना पड़ता है ना। राइड करते करते ओहो, पहाड़ों के बीच में राइड कर रहा हूँ मैं फिक्र। डाउन हिल मिल गया, आसान हो रहा है गाइस राइड करने में। तो फिर
फिर पेडल मारना पड़ेगा गाइस। अभी गियर लगा दो। क्रैक 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 क्रैक। एक गियर लग गया। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को तो इतना स्पीड है गाइस। फिर ऊपर आ गए गाइस। खींचते खींचते इतना हालत पतला हो गया था, फिर हालत पतला होने वाला है। ओह महादेव, इतना धूप में इतना चौड़ाई पे पेडल मार रहा हूँ। ओह आसान दे दीजिए महादेव। फाइनली गाइस महादेव ने सुन लिया, फिर डाउन हिल मिल रहा है और मैं 7 गियर में राइड करने वाला हूँ। हर हर महादेव। महादेव ने सुन लिया फाइनली, अब तो डाउन हिल मिलेगा। ओ भाई डाउनहिल दो, महादेव ने सुन लिया गाइस। डाउन हिल में तो आसान होता है ना, उत्तराखंड भी सिक्किम जैसा ही तो है हिली एरिया, तो अप हिल में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ओहो डाउन हिल तो भाई इतना मजा आता गाइस राइड करने में। जम्मू कश्मीर से गाइस श्रीलंका तक डाउन हिल है तो मैं साइकिल यात्रा करूँगा। ओह देख सकते हो गाइस इतना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है गाइस डाउन हिल में। सो फाइनली गाइस राइड करते करते एक ढाबा मिल गया रास्ते पे, इतना धूप में देख सकते हो गाइस ये ढाबा। सो गाइस अभी यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद फटाफट निकलेंगे गाइस श्रीनगर के लिए। सो देखते रहिए गाइस। एक मिनट गाइस, आज तो लंच कर रहा हूँ। सो देख सकते हो गाइस लंच रेडी हो चुका है, अभी ये खा के जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो देख सकते हो लंच भी कर चुका हूँ, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। अभी यहाँ से निकल चुका हूँ श्रीनगर तक, मेरा राइड देखे गाइस। आज हमारा स्टॉपेज श्रीनगर पे है, उत्तराखंड में भी श्रीनगर है ना, वहाँ पे रुकेंगे आज। कहाँ पे रुकेंगे वो तो नहीं मालूम है वहाँ पे, लेकिन जाके व्यवस्था करने पड़ेगा। सो फाइनली गाइस मैं राइड करते करते पहुँच गया श्रीनगर, देख सकते हो गाइस वेलकम टू श्रीनगर। इसमें तो श्रीनगर में पहुँच गया, अब देख सकते हो गाइस श्रीनगर का राइड। सो देखते रहे गाइस, गाइस श्रीनगर का नज़ारा देख सकते हो। आज श्रीनगर पे रुकना पड़ेगा, कहाँ पे रुकेंगे वो तो नहीं मालूम है। इतना स्ट्रगल के बाद मैं केदारनाथ पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है, सिर्फ 10% बचा है। धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ गाइस, मेरे पास 10 डेज है कल से। राइड करते करते मैं कहाँ पहुँच गया देख सकते हो गाइस, मुंजी लाने वाला है केदारनाथ 125 किलोमीटर और बद्रीनाथ 193। ओ देख सकते हो गाइस सुकून मिलने वाला है गाइस। सो अभी श्रीनगर पे जाके रुकेंगे, तो देखते रहे गाइस। देख सकते हो गाइस इतना छोटा स्टेट से भी 2024 केदारनाथ यात्रा बाईसाइकिल से हो रहा है गाइस। ओहो वो भी एक 18 वेस्ट फैंडम गंजी टेंजी का युवा है संजय अर्टी का। पहुँचने वाला हूँ ना, इतना एंजॉय फील हो रहा है गाइस, इतना मजा आ रहा है गाइस, क्या बताऊँ आप लोगों को।
सो फाइनली गाइस राइड करते करते पहुंच गया गुरुद्वारा, आदेव का कृपा से श्रीनगर में भी गुरुद्वार मिल गया गाइस। रहने के लिए व्यवस्था हो गया आज का। सो देख सकते हो गाइस गुरुद्वारा। सो हमारा साइकिल वगैरह यहाँ पे पार्क कर लिया, उसके बाद ये सामान वगैरह रूम पे लेके जाना पड़ेगा। थोड़ा देर में रूम जाऊंगा, सो देखते रहे गाइस। सो फाइनली गाइस हम लोग रूम पहुंच गया, सामान वगैरह देख सकते हो गाइस, सामान वगैरह सब यहाँ पे रख दिया रूम में। उसके बाद हम लोग अभी सोने वाला है, कल गुरुद्वार से निकलना पड़ेगा। सो कल कहाँ पे पहुँचेंगे, महादेव कहाँ पे है ना व्यवस्था कर देगा हम लोगों को, वो तो नहीं मालूम है। सो देखते रहे गाइस, महादेव का कृपा से सब व्यवस्था हो रहा है, रास्ते रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं है आज तक। सो गाइस मेरा यात्रा देखते रहिए, आपका सपोर्ट का जरूरत है, अभी सपोर्ट करते रहिए। अभी सोना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा ना, दिन में इतना साइकिल चलाते चलाते थक चुका हूँ गाइस। सो गुड नाइट गाइस सब लोगों को, और महादेव।